छोटा सा वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को MRV और अनलोडर वाले ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता, कौन सा कहाँ बैठता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोनों खोला है मैंने, MRV भी खोला है और इसे बोलते हैं अनलोडर वाल। ये 2011 से लेके अब तक के सारे मशीन में आता है, तो चलो एक बार इसे देख लेते। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में है MRV और राइट साइड में है अनलोडर वाल। अनलोडर वाल को पहचानने का एक तरीका है, ये छोटा होता है MRV से और आगे की उसके मुंह पे ओरिंग्स होती है। ये हमने यहाँ पे दो लगाई है लेकिन एक ओरिंग और एक बैकअप रिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और MRV में आगे कोई ओरिंग नहीं होती है, एक सिर्फ बड़ी ओरिंग होती है जो ऑयल को बाहर नहीं आने देती। और ये बैठता है हमारे वाल ब्लॉक के निचले साइड में, ये देख सकते हैं यहाँ पे बैठ जाता है। एकदम आसान है इसे बिठाना, इस तरह से ये हमारा MRV बैठ चुका है। अब आते हैं अनलोडर वाल की तरफ। ये अनलोडर वाल को भी नीचे दो और ऊपर एक ओरिंग होती है जो कि ऑयल को बाहर नहीं आने देती, ब्लैक वाली ओरिंग, तो इसे बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये ऊपर के साइड में यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप, ये स्पूल के साइड में होता है, यहाँ तक हाथ पहुँचना थोड़ा दिक्कत करता है हाथ पहुँचने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।